आज के हम इस वीडियो में फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री देखेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसमें से पहला जो हमारा है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, जिसमें से पहला हेडिंग देखेंगे केमिकल फर्टिलाइज़र अर्थात रासायनिक उर्वरक किसे कहते हैं, इसको देखेंगे। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे आप हमारे वीडियो को पहले देख सकें। तो प्लीज़ आइए अब देखते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र किसे कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं रासायनिक उर्वरक, ठीक है। जब हम केमिकल फर्टिलाइज़र को ज़मीन या पौधे पर डालते हैं तो वह पौधों को पोषक तत्व अर्थात न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट देती है, जिसके कारण पौधे में निम्नलिखित ग्रोथ होता है। नंबर देखिए क्या होता है, इनकी ग्रोथ क्या होते हैं, अर्थात हम रासायनिक उर्वरक को क्या करते हैं, पौधे पे डालते हैं, ठीक है, ज़मीन या पौधे पे डालते हैं तो क्या होता है, पौधों में पोषक तत्व देती है, जिसके कारण क्या होता है, पौधों में निम्नलिखित ग्रोथ होती है। नंबर एक क्या होता है, गुड हेल्थ ऑफ प्लांट, मतलब पौधे में अच्छा विकास होता है, ठीक है। नंबर दूसरा क्या होता है, प्रॉपर ग्रोथ, और पौधे में क्या होता है, प्रॉपर ग्रोथ होता रहता है अर्थात पौधे प्रॉपर क्या करते रहते हैं, अपना विकास करते हैं। नंबर तीसरा क्या है, बेटर एल्ड होता है। नंबर चौथा क्या होता है, बेटर फ्लोवर होता है। और अब देखेंगे न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व अर्थात न्यूट्रिएंट्स को पोषक तत्व हिंदी में कहते हैं, अर्थात पौधे को 16 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है जिससे उनका प्रॉपर विकास होता है। नंबर देखिए एक क्या होता है, CHO मतलब कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, ठीक है। देखिए तीन हो गया कि न, क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, ओ ठीक है। तो इज गिवन बाय नेचुरल ऑफ कास्ट, ये जो होता है प्राकृतिक के द्वारा हमें प्राप्त होता है, जैसे कि वर्षा हुआ तो वर्षा के साथ क्या होता है, ये मतलब पृथ्वी पे चले आते हैं, ठीक है। जैसे कि वर्षा होता है तो जल के साथ क्या होते हैं, ठंडे होके कुछ परसेंट, ठीक है, तो पौधे में क्या होते हैं, मिल जाते हैं, मतलब पौधे को मिल जाती है, जो कि ये क्या होती है, नेचुरल मतलब प्राकृतिक के द्वारा हमें मिल जाता है कुछ परसेंट तक, ठीक है। अब देखिए NPK मतलब होता है नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है, और नंबर एक क्या होता है, देखिए ये क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, फास्फेटिक होता है, और क्या होता है, पोटेशियम होता है। तो इनमें जो होता है इसे NPK, ये तीन हो गया, ये जो होता है प्राइमरी और मेजर न्यूट्रिएंट्स वेयर N जो होता है, अब देखते हैं प्राप्त होता है, अब देखते हैं जो N होता है, NPK एक खाद के नाम से भी आता है NPK, ठीक है। तो N का क्या काम होता है अर्थात नाइट्रोजन का क्या काम होता है, नाइट्रोजन जो करता है पौधे में जो होता है बढ़ने के काम के लिए आता है अर्थात पौधे में क्या करता है, ग्रोथ पैदा करता है। और पी क्या करता है, इसे जो होता है ये फ्लोवर अर्थात ये जब उसमें फूल लगता है, ठीक है, पौधे में क्या होता है, एक अवस्था आती है उसमें से क्या करता है, विकास के समय जब वो मतलब फूल लगने की कंडीशन पे आ जाता है तब ये पी वहाँ पे यूज होता है। और के क्या होता है, पोटेशियम जो होता है ये जो होता है पौधे में रोगों से लड़ने की क्षमता देता है, ठीक है, अर्थात ये मतलब जैसे मनुष्य में विटामिन्स प्रोटीन्स लड़ने की क्षमता देता है, इस प्रकार से पौधे में क्या होता है, पोटेशियम देता है। तो अगला देखते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, तो देखिए ये सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स और मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और क्या होता है, अगला देखते हैं Fe होता है, Cu होता है, जिंक होता है, Mn होता है, Mo होता है, B होता है और Cl होता है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और ट्रेंस एलिमेंट होता है। तो इस प्रकार से पौधे में 16 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है।
हमें 16 तत्व तो हमें पता हो गए कौन कौन से होता है, CHO होता है, NPK होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर होता है, FeCu ZnO MnOBCl होता है, ETC होता है। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे आप हमारे आने वाली नए वीडियो आप पहले देख सकें।